हमने टेंस का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुका है, अब हम देखते हैं टेंस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टेंस में है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बनाने के लिए बोला है, जैसे कि कुछ भी टेंस दिया उसको नेगेटिव बना बोला, तो पहले सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, उसके बाद हम लोग को उसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है दे केम फ्रॉम रायपुर और हम लोग को इसका बनाना है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, वहां पे लिखा होता है कि मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस बोल के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे केम फ्रॉम रायपुर, रायपुर मीन्स ये क्या है, केम सेकेंड फॉर्म है। अब ये कौन सा टेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेकेंड फॉर्म किस में यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसका नेगेटिव बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, क्या होगा इसका, दे डिड नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, डिड होता है, ठीक है। दे डिड नॉट कम फ्रॉम रायपुर, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है या फिर तो रूल्स याद है तो बहुत इजीली से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ठीक है। अब आई डोंट नो है, ठीक है, मींस डोंट क्या है, ये वर्ब कौन सा टेंस है, आई डोंट नो बोल दिया, मींस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और इसको बोला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग को पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है, ये तो डोंट हट जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, ठीक है। और उसमें वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आई हैड, अब देखो नॉट है तो नॉट भी हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा, आई हैड नॉट, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म नो ने नॉन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ठीक, समझ आया ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए बोलते तो यहाँ पे क्या है, नॉट हट जाता, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टेंस कौन सा टेंस है आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्या है किसमें चेंज करने के लिए बोला है उसका हम लोग को स्ट्रक्चर याद रखना है, तो उसमें फिर हम लोग बहुत इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। और हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख चुका है तो ये बहुत इजी है। दे विल बी सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम डेंगू, सॉरी। अब देखो विल बी आया मीन्स ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए किसमें बोला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला है, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी तो हट जाएगा, दे सफर फ्रॉम डेंगू, बहुत इजी है ना, ठीक। मतलब कि इसमें देखो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या है, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। डू या डज होता है, तो वो भी कब आता है, जब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग को सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे ही सी इट या नेम रहता तब एस या ईएस आता, बट दे वी यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली दे सफर फ्रॉम डेंगू, ठीक। अब देखो आई हैव कट द ट्री, ठीक है, ये कौन सा टेंस है और इसको चेंज करने के लिए बोला है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आई हैव कट द ट्री ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होता है, तो आई वी दे यू के साथ कौन सा होता है, हैव होता है, ही सी इट या नेम के साथ क्या होता है, हैज होता है, ठीक है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉच वेयर होता है, और वर्ब में क्या होता है, एज ई फॉर्म लगता है, और आई ही सी इट या नेम के साथ क्या यूज होता है, वॉच यूज होता है, बाकी के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉच कटिंग द ट्री, ठीक हो गया, समझ आया। अब इसको देखो, सी राइट्स अ लेटर टू कलेक्टर, ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा टेंस में है बताओ,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि ही सी इट या नेम के साथ वर्ब हमें एस या ईएस लगता है। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, ही सी इट या नेम के साथ जब आता है तो पांच हेल्पिंग वर्ब ये होता है डज। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, पहले आता है डज सी, और देखो राइट का एस हट जाएगा, डज सी राइट अ लेटर टू कलेक्टर। अब क्या है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव बोला है मींस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि हैज बीन है और सिंस और फॉर है, मींस यहाँ पे टाइम को भी डिफाइन किया गया है, तो ये क्या कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसको हम लोग को क्या चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन वर्ब हमें कौन सा यूज होता है, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock। देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ओनली ये चेंज हुआ, क्या हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब तो सेम हैज बीन के जगह में क्या यूज हो गया, विल हैव बीन, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम लोग को परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है, तो बस क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, द सन राइज फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, और इसको चेंज करना है हम लोग को पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो ये पहले कौन सा टेंस में है, पहले देखो द सन राइज फ्रॉम ईस्ट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हम लोग को इसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, हम लोग आप लोग को हमेशा ये याद रखना है कि जहां भी अगर परफेक्ट आया मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना ही है, जहां भी अगर कंटिन्यूअस पूछा वर्ब हमें आईएनजी फॉर्म होना ही है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब देखो द सन राइज फ्रॉम ईस्ट पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, द सन हैड राइज का क्या हो जाएगा, राइज रॉज रीजन होता है, रीजन फ्रॉम ईस्ट, हो गया, कितना इजी है ना। अब देखो इसमें क्या है, आई हैव वॉच्ड मूवी 3 इडियट। ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो सबसे पहले आई हैव आया, हैव या हैज आया मींस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में दिया है और हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल में कन्वर्ट करना है मीन्स वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में, सिंपल सेंटेंसेस में होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच्ड मूवी 3 इडियट। देखो कितना इजी है ना। अब देखो इसमें दिया है, आई टोल्ड यू अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसको किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई के साथ एम का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, ही सी इट के साथ क्या होता है, इज का होता है। ठीक है, और दे बी यू के साथ क्या होता है, आर का यूज होता है, तो यहाँ पे ए है आई है मीन्स एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या होगा, आई एम टेलिंग, अब देखो टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, टेल, टेल टोल्ड टोल्ड हो जाता है, आई एम टेलिंग यू अबाउट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, समझ आया ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए अब फिर क्या है, राम इज परचेसिंग न्यू बुक्स। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस में आइडेंटिफाई करो,
तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर इंडिफिनिट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राम विल परचेज न्यू बुक्स, ठीक है। बस जैसे कि टेंस आइडेंटिफाई करना है और चेंज करना है, सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत इजी है। दे वेयर शोविंग देयर एटीट्यूड, ठीक है। आप देखो ये कौन सा टेंस में है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज या फिर वर यूज होता है, ठीक है। तो दे वर शोइंग देयर एटीट्यूड, तो इसको हम लोग को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब है यूज, हैव या हैज होता है, ठीक है। तो आई भी देव के साथ क्या यूज होता हैव यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव, अब शोइंग है शो, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म शोड देयर एटीट्यूड, ठीक। अब देखो राहुल हैज नॉट हिज होमवर्क, नॉट डन हिज होमवर्क, अब देखो इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सा टेंस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसको हम लोग को चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, शैल बी या विल बी होता है, वर्ब में क्या होता है, एनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा राहुल विल बी डूइंग, राहुल विल बी, सॉरी अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग को नेगेटिव चेंज करना है, तो राहुल विल नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। समझ आया सारा, नहीं आया तो एक बार दो बार और देखिए, ठीक है, पूरा समझ आ जाएगा। और आप इस तरह आप लोग क्या है पूरे टेंस को चेंज कर सकते हो।